कर दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय प्रीता की, तो प्रीता इस समय सबसे ज़्यादा दुखी नज़र आ रही हैं। प्रीता का मानना यह है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलती होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों प्रीता की बात की जाए तो प्रीता इस समय ये सोच रही है कि आखिरकार ये शादी कैसे हो सकती है। क्योंकि दोस्तों बात की जाए राजवीर की, तो राजवीर वहीं पर पसंद करता है जो कि पलकी को, लेकिन प्रीता को लग रहा है कि अगर पलकी और राजवीर प्यार करते हैं तो फिर पलकी की शादी किसी और से कैसे हो सकती है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पलकी की शादी होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस चीज़ के कहीं ना कहीं खिलाफ भी नज़र आ रही हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी एक और नया मोड़ लेकर आ चुकी है। आप लोग जानते ही हैं इस समय जल्दी ही प्रीता की मुलाकात होने जा रही है आखिरकार, जो कि करण के साथ में और पूरे लूथरा परिवार के साथ में। क्योंकि दोस्तों लूथरा परिवार को भी जल्दी ही पता लगेगा कि आखिरकार किसकी गलती और कैसे गलती है और इसको कैसे सुलझाया जा सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि गलती सुलझाने के लिए इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में भी नज़र आ रहे हैं, और गलती सुलझाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों इस समय क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। इस चीज़ की अगर बात की जाए तो जल्दी ही सब लोगों के बीच में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि प्रीता बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मैं लूथरा परिवार से मिलना नहीं चाहती, क्योंकि दोस्तों प्रीता के सामने जल्दी ही प्रीता की सपोर्ट में उतरने वाली हैं आखिरकार प्रीता की छोटी बहन यानी सृष्टि साफ साफ बोलती हुई नजर आएंगी कि जो मेरी और मेरी दीदी के साथ में हुआ है वो हम कैसे भूल सकते हैं, इन लूथराज ने हमारे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इसकी सज़ा इनको मिलकर ही रहने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कि कितना अच्छा एक संयोग चल रहा है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर